people, come, let's go legal. Power of attorney. पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी हेल्प से एक्स वाई को ये पावर्स दे सकता है, ऑथराइज कर सकता है कि वाई एक्स के बिहाफ पे एक्स के लिए कुछ उसके लीगल अफेयर्स को एग्जीक्यूट कर सके. नाउ हियर एक्स इज नोन एज द प्रिंसिपल और डोनर और वाई इज नोन एज एजेंट या फिर डोनी. अब ये क्या काम होंगे जो ऑथराइज किए जा सकते हैं? इट कुड बी अगर एक्स रहता है मुंबई में और एक्स का कोई घर है जो पुणे में है. अब एक्स को उस घर को रेंट पे देना है और हर मंथ उसका रेंट कलेक्ट करना है. तो व्हाट एक्स डू, एक्स वाई को अपना एजेंट बना लेगा थ्रू पावर ऑफ अटर्नी और वाई अब एक्स के बिहाफ पे उस घर को रेंट पे भी देगा एंड हर मंथ उस घर का रेंट भी कलेक्ट करेगा. नाउ प्रिंसिपल कौन हो सकते हैं? प्रिंसिपल यानी वो लोग जो पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो इट कुड बी अ सिंगल इंडिविजुअल या फिर दो और दो लोग से ज़्यादा भी एक पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड कोई कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूशन भी पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर सकती है. एजेंट कौन होंगे? एजेंट कैन बी अ सिंगल पर्सन या फिर दो और दो लोग से ज़्यादा टुगेदर वुड बी एजेंट फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कोई कॉरपोरेशन के लिए. नाउ काइंड्स ऑफ पावर ऑफ अटर्नी. पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल एक होती है स्पेशल. जनरल पावर ऑफ अटर्नी में प्रिंसिपल अपने एजेंट को सारे काम करने की ऑथराइजेशन या पावर्स एलोकेट कर देता है. वेर एज इन स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कोई स्पेसिफिक स्पेशल काम मेंशन किया जाता है, एजेंट को सिर्फ वही काम एग्जीक्यूट करना रहता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. जैसे सिर्फ रेंट कलेक्ट करना या फिर हेल्थ केयर डिसीजंस लेना या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना, ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा. कमिंग टू वैलिडिटी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी. वैलिडिटी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी का मतलब है कितने ड्यूरेशन के बाद एक पावर ऑफ अटर्नी इनवैलिड हो जाएंगी या फिर लैप्स कर जाएंगे. सो द मोड्स आर, द वेरी फर्स्ट इज अगर उस पावर ऑफ अटर्नी में कोई स्पेसिफिक डेट या कोई स्पेसिफिक इवेंट मेंशन है तो उस डेट के आने पर या फिर उस इवेंट के अकर होने पर वो पावर ऑफ अटर्नी इनवैलिड हो जाएंगी, उसके बाद उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी. सेकेंडली डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ द पार्टीज. अगर प्रिंसिपल या एजेंट की डेथ हो जाए या फिर कोई दोनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इनकेपेसिटेट हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में भी पावर ऑफ अटर्नी विल बिकम इनवैलिड. थर्ड इज बाय रिवोकेशन. अगर प्रिंसिपल खुद से उस पावर ऑफ अटर्नी को रिवोक कर ले, कैंसिल कर दे, तो ऐसे सिचुएशन में भी पावर ऑफ अटर्नी वुड बिकम इनवैलिड और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएंगी.